हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा एप्पल आईडी, आईक्लाउड आईडी और एक्टिवेशन लॉग, ये तीनों है क्या और तीनों के अलग अलग हैं या एक ही आईडी चलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो एप्पल आईडी हमारी होती है वो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए होती है और जो हमारी आईडी होती है जो आईक्लाउड आईडी है वो सिर्फ आईक्लाउड और डेटा के लिए होता है, और जो हमारा एक्टिवेशन लॉक है जो फ़ोन आता है मतलब फ़ोन रिस्टोर करते हैं तो फ़ोन में आता है कि एक्टिवेशन लॉक, तो वो हमारा एक्टिवेशन लॉक है। तो ये जो फ्रेंड तीन चीज़ें हैं एप्पल आईफोन के या एप्पल के कोई भी डिवाइसेस के, कि आईक्लाउड, एप्पल और एप्पल आईडी और एक्टिवेशन लॉक, ये तीनों एक ही चीज़ से क्यों चलते हैं? क्योंकि फ्रेंड एप्पल आईडी जो है ना, एप्पल आईडी मैं आपको तीन स्टेप बताता हूँ, तीनों चीज़ों के बारे में। तो एप्पल आईडी जो है कि आप जब फ़ोन न्यू लेते हो तो उसमें आप कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या म्यूजिक, गाने जो भी होते हैं आप बिना एप्पल आईडी के उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसका डेटा से आपको कोई रिलेटिव मतलब नहीं है एप्पल आईडी का, कि वो डेटा क्या करेगा। वो एप्पल आईडी सिर्फ आपके डाउनलोडिंग के लिए होती है, जब तक आपके फ़ोन में एप्पल आईडी नहीं लगी होगी तब आपका कुछ भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, आप फोटोज़ वगैरह खींच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एप्पल आईडी से कुछ आप डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एप्पल आईडी बना लोगे तो उसके बाद आप फ़ोन में कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप समझ रहे होगे, मतलब जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में हमारे प्ले स्टोर आईडी ज़रूरी है, वैसे एप्पल आईडी में भी, एप्पल में भी एप्पल आईडी ज़रूरी है। तो ये तो हो गया फ्रेंड एप्पल आईडी, जो हमारा एप्पल आईडी जो है वो सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया एक, जो एप्पल आईडी है वो डाउनलोडिंग के लिए, ध्यान रखना एप्पल आईडी जो है वो सिर्फ डाउनलोड करती है और कुछ नहीं, ठीक है। और अब दूसरे पे आते हैं, वो है हमारी आईक्लाउड आईडी। तो आईक्लाउड आईडी और एप्पल आईडी ये कोई अलग अलग नहीं है फ्रेंड, ऐसा भी होता है कि एप्पल आईडी अलग से बन जाती है कभी कभी और आईक्लाउड के अलग से बन जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम डिवाइस में एप्पल आईडी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आईक्लाउड भी कनेक्ट हो जाता है, उसमें आईक्लाउड जुड़ जाता है। तो एप्पल आईडी और आईक्लाउड आईडी वो एक ही चीज़ होती है। तो और आईक्लाउड वो है जो आपका डेटा जो होता है, फोटोज़, वीडियोज़, म्यूजिक जो भी होते हैं वो सब आपके आईक्लाउड आईडी में होता है। और जैसे कि आपका फ़ोन ट्रैक करना, आपके कॉन्टैक्टों, जब तक आपके फ़ोन में एप्पल आईडी आईक्लाउड से कनेक्ट है तो आपका फ़ोन चोरी भी होता है तो आईक्लाउड की वजह से ही आपका फ़ोन मिल सकता है। क्योंकि आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, आईक्लाउड के वेबसाइट पर जाओगे, आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, जो आपकी एप्पल आईडी होगी उसी से आपकी आईक्लाउड खुलेगी, उसी आईक्लाउड में आपका डेटा वहीं दिख जाएगा, आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर वहीं पे आपको आईक्लाउड का डेटा दिख जाएगा। तो इसे समझ सकते हो कि मतलब आईक्लाउड सिर्फ आपका डेटा सेव करती है, फोटोज़, वीडियोज़ या कॉन्टैक्ट हो या आपका कहीं आपकी लोकेशन हो जहाँ आपका फ़ोन चल रहा है जैसे कि, ठीक है। तो आईक्लाउड वो चीज़ है। तो ठीक है, आपको मैंने एप्पल आईडी बता दी डाउनलोडिंग के लिए, और आईक्लाउड आईडी हमारी है वो है डेटा के लिए। अब चलते हैं तीसरा लुक, एक्टिवेशन लॉक पे। तो एक्टिवेशन लॉक जो फ्रेंड होता है, ये होता है हमारे फ़ोन को एक्टिव करने के लिए। मान लीजिए आपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया, कहीं से करवा दिया, रिस्टोर कर दिया, तो इसके लिए जब हमें सेटअप करते हैं हेलो के बाद तो एक्टिवेशन लॉक पे अटक जाता है फ़ोन। तो उससे कई बार लोग उसको आईक्लाउड आईडी बोलते हैं, आईक्लाउड लॉक बोलते हैं, वो सब नहीं है, इसको एक्टिवेशन लॉक ही बोलते हैं। क्योंकि वो एक्टिवेशन लॉक इसलिए लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन लॉक तो मतलब कि फ़ोन को एक्टिव करने के लिए आपको ईमेल इसको लॉक करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेशन लॉक जो होता है हमारा वो अनलॉक करने के लिए होता है। जब तक आप एक्टिवेशन के लिए आपको एप्पल आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे तो आपका फ़ोन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। ये एप्पल की बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, जिससे कि वो फ़ोन से वही यूज़ कर सकता है जिसका फ़ोन उसके नाम पे और उसको या तो उसको एप्पल आईडी याद हो। अगर बाई चांस जिसका फ़ोन है उसको भी एप्पल आईडी भूल गया तो वो फ़ोन को खुलवा सकता है, लेकिन उसके पास पूरा बिल होना चाहिए, उसका बॉक्स होना चाहिए, उसमें वारंटी वगैरह होनी चाहिए, या सर्विस सेंटर जाके वो करवा सकता है, ठीक है। तो उससे आप करवा सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि फिर एप्पल आईडी, आईक्लाउड और एक्टिवेशन, तो ये तीनों चीज़ जो मिक्स होते हैं वो एक ही एप्पल आईडी से होते हैं, चाहे वो डाउनलोडिंग के लिए एप्पल आईडी, आपका डेटा का आईक्लाउड आईडी, या आपका फ़ोन को लॉक सिक्योर रखने के लिए उसकी आईडी, ये तीनों आईडी आपकी एक ही में है। तो जैसे कि आपकी एक ही जीमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया, एक ही जीमेल से आपने आईडी बनाई एप्पल डिवाइस में, वही आईडी से आप सब कुछ फ़ोन में कर सकते हो, जिससे कि वो पूरा एक ही आईडी से आपका फ़ोन आपका हो चुका है, आपके इशारों पर ही चलेगा। तो उसमें कोई बंदा और दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता जब तक आपके फ़ोन में आपकी आईक्लाउड आईडी लगी हुई है। तो फ्रेंड ये था आज का मेरा वीडियो, कि मैं आपको एप्पल आईडी के ऊपर कुछ बताऊं, कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि मेरे फ़ोन में आईक्लाउड आईडी लग गई है, एप्पल आईडी क्या मतलब है, आईक्लाउड कैसे हटेगा, एक्टिवेशन लॉक कैसे हटेगा। तो ये आईक्लाउड फ्रेंड
आईडी नहीं मांगता, ये एक्टिवेशन लॉक होता है जो अब लग जाते हैं फ़ोन के अंदर, वो भी जब लगते हैं जब आपका फ़ोन फॉर्मेट कर दोगे। उससे पहले तो आप फ़ोन चला रहे हो, सेफली चला रहे हो, लेकिन जब एप्पल आईडी उसमें लगी हुई है, आपको याद नहीं, आपने किसी से फ़ोन लिया, फ़ोन लेके भी आपने एप्पल आईडी नहीं डिलीट करी, वो बंदा आप कहीं से बाहर से लेके आओ, एक्टिवेशन लगा हुआ है, तो फंस जाओगे। आपको ये बात जरूर याद रखनी है, कभी भी फ़ोन लो तो आपको एप्पल आईडी जरूर सिंग आउट कर देनी है, चाहे किसी से भी आप फ़ोन ले रहे हो। अगर जिससे आप फ़ोन ले रहे हो उसको भी एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है, तो गलती से भी उस फ़ोन को मत लेना, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो एप्पल आईडी बहुत ही सिक्योरिटी है एप्पल डिवाइसों के लिए, ये बहुत ही रिस्की है, आप खुलवाने की कोशिश मत करना इसको। अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, आपके पास सब कुछ प्रूफ है इसका, तो आप इसको आराम से बेफिक्र खुलवा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो यही था कि मैं आपको इन सिर्फ आईडियो के बारे में, एप्पल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी फ्रेंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही आईफोन पे काफ़ी वीडियोस बना के आपको देता रहूँगा, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, ठीक है। मैं आप मुझे बेफिक्र, मैं अपना नंबर मैंने दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।